हरे कृष्णा, मेरा नाम है अमित और आज हम बात करने वाले मोनेटाइज प्लेटफॉर्म के बारे में। मोनेटाइज आपको बताइए कि जैसे कि हम गूगल एडसेंस पे अर्निंग करते हैं अपने वेबसाइट को ऐड करके, वहाँ पे एड्स वगैरह दिखा के, तो मोनेटाइज भी आपको ऑप्शन देता है कि अगर आपको गूगल अपने गूगल एडसेंस पे अगर आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो आप अपनी वेबसाइट को फिलअप कीजिए मोनेटाइज पे और वहाँ से आपके उसी की तरह ऐड चलेगी, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगी, उस हिसाब से आपको अर्निंग होती रहेगी। तो बेसिकली लोगों का थोड़ा डाउट्स है कि भाई मोनेटाइज रियल है या फेक है, ठीक है। तो इसमें आपको मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा और लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि भाई मोनेटाइज रियल है या फेक है, वो सब आपको आगे जानकारी दी जाएगी। और बेसिकली इसको बहुत ही आसानी से आप यूज कर सकते हो और अप्रूवल्स की भी आपको इतनी ज़रूरत नहीं, आप लोग इंस्टेंटली आपको अपनी वेबसाइट ऐड करके वहाँ पर कुछ चीज़ घंटों में या फिर एक दिन में भी आप कह सकते हो कि भाई एक दिन में आप अपनी वेबसाइट के ऊपर सब सेटअप ऐड वगैरह सेटअप करके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया और बढ़िया सा प्रोसेस है। अगर आपको एडसेंस नहीं मिल रहा है तो आप जल्दी से वहाँ पर मोनेटाइज अकाउंट बनाइए अपना और वहाँ पे आप अपनी अर्निंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। फेक रील क्या, वो आगे आपको वीडियो में जानकारी दूंगा, लाइव प्रूफ से दिखाऊंगा आपको। वीडियो में देना, वीडियो को देखते रहना एंड तक और वीडियो को लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, तो नाउ लेट्स स्टार्टेड द वीडियो। तो आगे यहाँ पे हमने लैपटॉप ले लिया, स्क्रीन रिकॉर्ड कर दिया ऑन और यहाँ पे आप देख पाओगे अपने मोनेटाइज अकाउंट जो ओपन कर दिया है। और इसके अलावा आपने पेपाल भी मैंने इसका जो है वो ओपन किया है, जिसमें आपको लाइव प्रोस भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक बार रिप्रेस करके दिखा देता हूँ कि काफ़ी लोगों को थोड़ा डाउट्स रहता है कि भाई स्क्रीन शॉट या कोई या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट की होगी। तो ये देखिए लाइव प्रूफ्स आपके सामने हैं, टाइमिंग भी आपको टाइमिंग दिखा हुआ, तो भी आपको वीडियो तो मैं आपको बाद में कब तक आएगा पता नहीं। आज जो तारीख है वो 9 अगस्त है आज और 4:30 बजे है, ठीक है। आपको लाइव वो मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइव टाइम 9, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्राइडे 9 अगस्त के आसपास और 4:30 बजे है यहाँ पर, सॉरी 4:46 हो है। तो ये देखिए मोनेटाइज अकाउंट है मेरा और यहाँ पे आपको ये अर्निंग दिख रहे होगी यहाँ पे, ठीक है। 479 डॉलर्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। कुछ स्टैटिक्स है यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, इंप्रेशंस वगैरह और प्रॉफिट में और CPM वगैरह क्या चल रहा है वो। तो बेसिकली आपको भी डाउट्स एक आपका क्लियर कर देता हूँ, मोनेटाइज है वो रियल अकाउंट, ठीक है। एक रियल प्लेटफॉर्म है जिसमें आप रियल अर्निंग कर सकते हो, कोई फेक अकाउंट नहीं है, कोई किसी तरह का आपका फ्रॉड नहीं है इस पर। जो मंथली जो टारगेट जो यहाँ पे ऑडियंस में आपको दिखा देता हूँ, मंथली जो इसकी ऑडियंस है अभी publisher.monetag है, इसमें थोड़ा कम ही दिखेगा शायद, लेकिन आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे बढ़िया दिख रहा है 1 मिलियन, ठीक है। पर मंथ आप पे 1 मिलियन के आसपास इसके ट्रैफिक, यानी कि एक 10 लाख लोग यहाँ पर मंथ इसको जो यूजर है इसके जो विजिट करने वाले 10 लाख लोग है, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको यूज किए हुए काफ़ी, जैसे कि एक 1 ईयर ऊपर हो चुका है, ठीक है, 1 साल हो चुका है और इसको और 1 साल से पहले से यूज कर रहा हूँ और अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत आई थी, ठीक है, अकाउंट भी बैन सॉरी सस्पेंड हुआ था और कारण क्या था वो भी, सस्पेंड होने के बाद वापस इस अकाउंट को मैंने वापस इसको ईमेल के थ्रू वहाँ पर कंपनी को, यहाँ पर इसकी जो कंपनी है वहाँ पर हमने ईमेल्स किया उनको, वापस मैंने अपना अकाउंट रिकवर किया वहाँ से। किस तरह से क्या किस कारण से कि वो आपको आगे बता रहा हूँ। देखिए पहले बात तो ये है कि इसमें जो है आप इसका जो है अपने ईमेल एड्रेस है आपके पास, जो भी आप अपने लैपटॉप या जो भी यूज कर रहे हो उस ईमेल एड्रेस से आपकी जो IP एड्रेस हो, एक ईमेल से एक ही अकाउंट बनाना, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास एक लैपटॉप में 4 आपके पास ईमेल है, जैसे कि आप सोच रहे हो कि 4 अकाउंट अलग मोनेटाइज के बना दो तो आपका सीधा सस्पेंड कर देगा, ठीक है। इसका कहना यही है कि आप एक अकाउंट बनाइए, इस पर मल्टीपल आप अपनी वेबसाइट लिस्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पर क्रिएट नहीं करने इसके। तो इसका एक मेन रीज़न है वो ही है कि आप इसको अगर आप IP एड्रेस अगर आपका पकड़ लिया आपने, जैसे कि आप किसी दूसरे में भी कंप्यूटर में कर रहे हो और आपका IP एड्रेस और आपका PayPal एड्रेस भी मैच हो जाता है, जैसे कि आपका PayPal एड्रेस तो एक ही होगा, ठीक है, आप पेमेंट मेथड में क्या ऐड करोगे, 2-4 तो कर नहीं सकते, आपको पेमेंट मेथड तो एक ही होगा, तो वो क्या कर देगा, ये डिटेक्ट कर देगा, उससे आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा और फिर आपको कि मोनेटाइज फेक है या वो है। तो फेक भी वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे अर्निंग वगैरह होती है और आपको लाइव प्रूफ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जैसे कि अब जो हो रखी है इस मंथ की वो है 450 डॉलर के ऊपर है। और पेमेंट्स में आपको मैं दिखा देता हूँ, पेमेंट्स में आप देख सकते हो अब तक मुझे $1900 के प्लस यहाँ पे $1,985 है वहाँ पे मैंने टोटल विड्रॉ कर लिए। उसके अलावा होल्डिंग पेमेंट्स देख सकते हो, होल्ड बैलेंस है, इसके अलावा यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंस वो दिख रहा है और लास्ट जो पेमेंट वो इतना पेमेंट हमें लास्ट रिलीज किया था 1 अगस्त को, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये लाइव प्रूफ आपको पेपाल के जरिए भी दिखाऊंगा, जिसमें आप यकीन कर पाओ कि भाई ये रियल ही है, ठीक है। तो वाकई में मैं इसको यूज कर रहा हूँ और काफ़ी टाइम हो गया और इसको मैंने यूज किए हुए काफ़ी बढ़िया से ये अपने
काम भी करता है, ठीक है। और कारण मैं आपको ये बता दिया कि भाई आपको मल्टीपल अकाउंट नहीं बनाना है। दूसरा है कि आपको को क्लिक जो है कि भाई बॉट्स के थ्रू आप क्लिक करवाते हो, या फिर आप आर्बिट्राज वगैरह कोई ऑप्शन आता है पता है आपको कि भाई वो एड्स के थ्रू हम ट्रैफिक लाएंगे और इसके जो वहाँ पे कम पैसे देंगे और यहाँ पे थोड़ा, तो वो क्या है वो भी अगर पकड़ ले कि भाई जो ट्रैफिक है वो मैच नहीं हो रही, कि भाई ऑडियंस कोई अलग है और ट्रैफिक किसी अलग वेबसाइट पे अलग आ रही है, और जो 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 रेशियो टाइमिंग का जो रेशियो काफ़ी कम है, ठीक है। टाइमिंग ड्यूरेक्शन आप एक बार सिमिलर वेब करके एक प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप जिस साइट का बाउंस रेट ज़्यादा है और टाइमिंग ड्यूरेक्शन कम है तो उसमें वो थोड़ा इंडिकेट होने लगता है कि भाई वेबसाइट पे कुछ गलत ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। तो इस कारण से वो फिर वो भी कारण हो सकता है ब्लॉक करने का। तो ये थोड़े बहुत रीजन से, सबसे मेन रीजन ये है कि आपको अपने ईमेल एड्रेस से एक ही अकाउंट बनाना है, इसमें आप मल्टीपल साइट ऐड कर सकते हो। मैंने भी यहाँ पे 8 से 9 वेबसाइट ऐड कर रखी एक ही अकाउंट पे। मैंने दूसरा अकाउंट बनाया था तो इसने सीधा सस्पेंड कर दिया, और मैंने इनको रीजन पूछा कि भाई क्यों किया है, तो उसने बताया कि भाई आपने 2 अकाउंट्स बनाए हैं उसके कारण से हमने आपको सस्पेंड किया। तो वापस मैंने उस जो अगला जो बनाया था उसको मैंने बंद करवाया, उसमें भी $200-$300 थे इस अकाउंट में, तो वापस मैंने इसी को ओपन कराया उसको बंद करवा दिया, ठीक है। तो यही कारण है कि भाई आप अभी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि भाई आपका बिना रीजन के सस्पेंड हो गया, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं उनको ईमेल्स वगैरह करके आपको वापस, अगर आपके ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आपको खुद को समझ में आता तो आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे जो इंग्लिश आपको नहीं आती तो आप ट्रांसलेट करके आपको अपने भाषा में लिख देना है, और वहाँ से जो इंग्लिश आती है उसको कॉपी करके वहाँ पे ईमेल में सबमिट कर देना है। इनका ईमेल एड्रेस से भी आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आप जाके यहाँ पे हेल्प सेंटर वगैरह में ऑप्शन मिलता है जिसमें आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और वहाँ से आप अपनी जानकारी जो भी आपको दिक्कत आती है वो ले सकते हो। यहाँ पे देखिए support@monetech.com, यहाँ पे ईमेल पे, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस पे आपको जाके वहाँ पे कर देना है इनको ईमेल, तो आपका अकाउंट वगैरह वापस आपको दिया जाएगा, और जो सस्पेंड रीजन है वो आपको बताया जाएगा किस तरह से, किस कारण से ब्लॉक किया, किस कारण से सस्पेंड किया, तो वो आपको वहाँ पे रीजन पता चलेगा, ठीक है। तो लाइव प्रूफ मैंने दिखा दिया आपको कि भाई मैंने मुझे कितना पेमेंट्स मिला है अभी तक, और मैं काफ़ी सालों से इसे यूज कर रहा हूँ, काफ़ी साल मतलब 1-1.5 साल हो गए इसे यूज करते हुए, और कोई दिक्कत ऐसे नहीं आई है फिलहाल। तो एक रियल अकाउंट है, रियल काम यहाँ पे आप कर सकते हो, और ये काफ़ी बेनिफिट देता है, ठीक है। कई बार गूगल्स ने यहाँ पे अप्रूवल नहीं दिया तो वो ट्रैफिक ऐसे ही जा रही थी, ठीक है, जैसे कि ट्रैफिक तो आ रही थी लेकिन उससे कुछ अर्निंग नहीं हो रही, तो सीधा ही हमने यहाँ पे वेबसाइट को ऐड किया, और यहाँ से हमने ऐड करते यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो अगर आपके पास गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा तो आप इसे यूज करके बढ़िया से अर्निंग कर सकते हो। रीजन वो कि एक तो बॉट्स ट्रैफिक नहीं होने चाहिए आपको अपने, और दूसरा जो है कि आपको अपना एक ही अकाउंट बनाना है एक ईमेल एड्रेस से, और वहाँ पर आप अपने मल्टीपल साइट ऐड कर सकते हो। तो ये आपका क्लियर हुआ। सेकेंड आपको प्रूफ दिखा था पेपाल का, ठीक है। यहाँ पे हम एक्टिविटी में आते हैं, एक्टिविटी में आप यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लिक करता हूँ मैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांजेक्शन्स में आपको किस तरह से यहाँ पे हमें पैसे मिले। यहाँ पे प्रॉपर एड्स लिमिटेड, ये अपने जो मोनेटेक कंपनी के, मोनेटेक बेसिकली क्या है, प्रॉपर एड्स जो एडवर्टाइज की कंपनी है, ठीक है। एडवर्टाइज के लिए आप प्रॉपर एड्स पे जा सकते हो। अगर आपको पब्लिशर के रूप में जाना है, आपके पास ट्रैफिक है और आप उसे मोनेटाइज करवाना चाहते हो, आप अपनी साइड पे एड वगैरह दिखाना चाहते हो, तो आपको मोनेटेक पब्लिशर बन के यहाँ पे मोनेटेक पे आपको ज्वाइन करना पड़ता है। ये साइड जो है अपने प्रॉपलर्स मोनेटेक का ही है, जो कंपनी है दोनों एक ही है, ठीक है। प्रॉपलर्स एड और मोनेटेक एक ही समझ सकते हो आप, केवल यहाँ पे एडवर्टाइजर आप अपने प्रॉपलर्स एड्स पे जाते हैं और मोनेटेक वो पब्लिशर के रूप में मोनेटेक के ऊपर जाता है, ठीक है। तो प्रॉपलर्स एड्स के द्वारा पेमेंट दिया जाता है, जो कि आपने देखा होगा लास्ट पेमेंट हमारा इतने हुआ था $398.42, ठीक है, जिसमें यहाँ पे करेंसी में कन्वर्ट हो गया आया था। फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट में आप देख सकते हो ये प्रॉपुलर सेड है, दूसरा ये थर्ड है, उसके अलावा और भी आगे दे रखे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने लाइव प्रूफ भी दिखा दिया कि अब की बार का, जो कि ये देखिए यहाँ पे पेमेंट्स में वापस आते हैं, और लास्ट पेमेंट आप देख सकते हो 398.42, और यहाँ पे आप देख सकते हो 398.42। तो ये लाइव प्रूफ आपको मैंने पेपाल का दिखा दिया, इस तरह से हम यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फेक वगैरह नहीं है, आप कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, आप मैं फिलहाल मैंने जो यूज किया अब तक के लिए सही है, फिलहाल आगे कुछ इसका हो जाए तो पता नहीं, लेकिन अब से मैंने जब तक इसका यूज किया तब तक तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है, कुछ ऐसा इशू नहीं होगा आपके साथ। हो भी जाए तो आपको मैंने रीजन बता दिया इस रीजन से आपका हो सकता है, बाकी कोई कारण नहीं हो सकता, ठीक है, ब्लॉक वगैरह करने का। तो उम्मीद करूँगा आपको ये मोनेटेक का लाइव प्रूफ वगैरह दिखा के आपको पता चला होगा कि भाई ये रियल अकाउंट है, कोई फेक वगैरह नहीं है, जिसमें आप अपना भी वेबसाइट वगैरह ऐड करके वहाँ पे अर्निंग वगैरह मोनेटाइज करके स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको काफ़ी सीखने को मिला होगा, और आपने अकाउंट वगैरह बनाने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन करके आप जा सकते हो मोनेटेक के ऊपर, इसमें आप अपना अकाउंट वगैरह बना के आगे काम कर सकते हो। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे नए यूजफुल इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।